और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई अलग अलग होनी चाहिए। उनके मुताबिक अनैतिक आचरण से दूर रहने के लिए सह शिक्षा को खत्म कर दिया जाना जरूरी है। मदनी ने गैर मुस्लिमों से भी अपील की है कि वो सह शिक्षा से परहेज करें। अरशद मदनी के बयान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, क्या कहना है धर्मगुरुओं का और नेताओं का, आइए सुनते हैं। बयान में उन्होंने कहा है कि लड़कों की तालीम अलग होनी चाहिए और लड़कियों की तालीम अलग होनी चाहिए, तो मैं उनके इस बयान की तायिद करता हूं और बयान का समर्थन भी करता हूं। आप देखेंगे कि हमारे मदारिस इस्लामिया के अंदर तलाबा जो तालीम हासिल करते हैं उनके इदारे अलग हैं, लड़कियों के तालीम के इदारे अलग हैं। तरीके से माहौल खराब हो रहा है खलत मलत तालीम की वजह से। इसी को मद्देनजर रखते हुए सदर जमीयत उलमा ए हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने यह बयान दिया है, तो यह बयान उनका बिल्कुल दुरुस्त है। हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता, और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के खिलाफ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के खिलाफ हैं, और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियां को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और ना कभी एक्सेप्ट करेगा। स्कूल कॉलेजेस का सवाल है, तो स्कूल लेवल तक तो कोई एजुकेशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ कॉलेज लेवल पर इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एजुकेशन को इस तरीके से सिस्टमाइज किया जाए कि लड़के और लड़की दोनों तालीम भी हासिल कर लें और उसमें कोई मसाइल भी ना पैदा हों जो आए दिन पैदा होते हैं। हथियार सबसे बड़ा कलम का हथियार होता है, आप उस हथियार से रोक रहे हैं और आप तालिबानी हथियार देना चाहते हैं क्या? ये विचारधारा तो तालिबानों की है और वही विचारधारा हमारे जो जमीयत उलमाए हिंद की भी दिख रही है, साफ विचारधारा तालिबानी दिख रही है कि आप कलम की जगह पर हथियार देना चाहते हैं क्या महिलाओं के हाथ में? हम तो उनको कलम देकर देश के लिए और विश्व के लिए एक सम्मानित पद पर ले जाना चाहते हैं, और यहीं पर आपकी विचारधारा तालिबान के साथ मैच करती है। बार बार आप तालिबानी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है, काबुल में तालिबानी राज से दूसरे मुल्कों पर भी इसका असर पड़ेगा। मुझे बताइए कौन सा पड़ोसी जो है वो इस वक्त ठीक हालत में, बताइए मुझे हमारे पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, उनके हालात कैसे हैं? कोई भी हमारा जो पड़ोसी है उसके हालात हम ये कहें कि बिल्कुल ही सामान्य हैं, वो आप लोग अफगान के ऊपर तो जरूर कहेंगे, आप तो क्योंकि तालिबान का आप जिक्र नहीं करते, आप अफगान की बात करते हैं, हाँ तालिबान का असर तो जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब कहाँ पड़ेगा, कितना अमेरिका पे पड़ेगा, कितना रूस पे पड़ेगा, कितना चीन पे पड़ेगा, क्या पता। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की तो नए तालिबानी राज से उम्मीदें आसमान पर जा पहुंची है। अफरीदी को लगता है कि बम गोले वाले आतंकी क्रिकेट के बॉल बैट को बढ़ावा देंगे। ये चीज हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीजें बड़ी जबरदस्त पॉसिबिलिटी की तरफ चीजें नजर आ रही है कि लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है, एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, श्रीलंका में बोर्ड की सिचुएशन जीते सीरीज नहीं हुई, मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।